हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हिंदी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप व्हाट्सएप के होम पे अपना फोटो जो है वो लगा सकते हो। जी हां गाइस, आप व्हाट्सएप पे जो है वो होम पेज पे अपना फोटो लगा सकते हो। तो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो उससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली न्यू वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, बहुत ही आसान है ये करना, तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है, जो कि मैंने कर दिया है। उसके बाद आपको जहाँ पे थ्री डॉट्स पे जाना है और जहाँ पे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। तो जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद आपको जहाँ पे चार्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप चार्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा चार्ट्स बैकअप का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, तो जहाँ पे आपको जो है वो बैकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जहाँ आपका सारा डाटा जो है वो बैकअप हो जाएगा। तो डाटा बैकअप करने के बाद आपको आ जाना है बैक। तो बैक करने के बाद आपको सिंपली जहाँ से व्हाट्सएप को कर लेना है अनइंस्टॉल। तो मैं जहाँ से इसे कर लेता हूँ अनइंस्टॉल। तो उसके बाद आपको जो है वो एक और व्हाट्सएप जो है वो डाउनलोड करना है, जो कि बिल्कुल इसी के जैसा होगा, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको बता भी देता हूँ। तो गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने गूगल पे, या गूगल पे या फिर क्रोम पे भी आप जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको सर्च करना है FM व्हाट्सएप लेटेस्ट वर्जन। आपको जिस सर्च करना है, तो जैसे आप जिस सर्च करेंगे, उसके बाद आपको जहाँ पे दूसरे नंबर वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा FM व्हाट्सएप ऐप डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन 7.70, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होएगा। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। तो जहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। तो आपको जहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है नीचे, और आपको जहाँ पर जो है वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा विद इमोजी वाला, तो इस आपको जहाँ पे इसे डाउनलोड कर देना है। तो मैं जहाँ से इसे डाउनलोड कर देता हूँ, तो जैसे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, तो जहाँ पे आपको जो है वो सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और डायरेक्ट डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको मैं आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी जो है वो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली से डाउनलोड कर देना है और जहाँ से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं मेरी फाइल जहाँ पे जो है वो डाउनलोड हो रही है, जो कि 53.45 MB का है। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस जो है वो बताता हूँ। तो गाइस, मेरा व्हाट्सएप जो है वो डाउनलोड हो चुका है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे। तो जब देख सकते हैं मेरी फाइल जहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको सिंपली जाना है फाइल मैनेजर पे, और फाइल मैनेजर पे जाने के बाद आपको जाना है डाउनलोड वाले ऑप्शन पे। तो आप देख सकेंगे जहाँ पे आपकी फाइल जो है वो आ चुकी है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और जहाँ से व्हाट्सएप को जो है वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं जहाँ से जल्दी से इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो मेरा व्हाट्सएप जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप इंस्टॉल हो चुका है, तो अब मैं आता हूँ बैक। तो स्कैन कर रहे हैं, तो इसे स्कैनिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं बैक आता हूँ और आपको व्हाट्सएप ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मेरा व्हाट्सएप जहाँ पे आप देख सकते हैं FM व्हाट्सएप जो है वो डाउनलोड हो चुका है, जो कि बिल्कुल व्हाट्सएप ही है। तो सिंपली आपको जहाँ से इसे ओपन करना है, और सेम आपको अपना नंबर जहाँ पे डालना है, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है,
और जहाँ पे अपना नंबर जो है आपको वेरीफाई करना है। तो मैं जल्दी से वेरीफाई कर लेता हूँ और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस जो है वो बताता हूँ। तो गाइस मेरा व्हाट्सएप जो सेट हो चुका है, तो मैं जहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है वो यहाँ पे इसका जो है होम पे अपना फोटो लगा सकते हैं। तो सिंपली आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा यूनिवर्सल वाला, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको कलर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको जहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन दिखा दे रहा होगा बैकग्राउंड, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जहाँ पे थर्ड नंबर वाला ऑप्शन दिखा दे रहा होगा फोटो वाला, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और जहाँ से फोटो को एक सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं जहाँ से एक फ़ोटो जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको सेट करके दिखा देता हूँ। तो मैं जहाँ से एक फ़ोटो जो है वो सेट करके आपको अभी दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको फ़ोटो पे टैप करना है, उसके बाद आपको जहाँ पे सेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका वॉलपेपर जो है वो सेट हो चुका है। तो मैं बैग आता हूँ और आपको जो है वो दिखा भी देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा वॉलपेपर जो है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो आप जहाँ पे देख सकते हैं, तो बहुत ही आसान है गाइस। तो इस तरह से आप भी जो है अपना वॉलपेपर जो है वो चेंज कर सकते हो। सिंपली आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यूनिवर्सल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको जहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो बस इस वीडियो में गाइस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।